नमस्कार दोस्तों, बहुत पुरानी जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के चुनाव को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी। खोजी पत्रकार नवनीत चतुर्वेदी को जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की कमान आज नवनीत चतुर्वेदी को सौंप दी गई है। आज इस मौके पर जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जयप्रकाश बंधु, उनके साथ कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें राजेश उदित सिंह, उमेश गहलावत, दीपा भट्ट, राज कपूर यादव, नौशाद खान, गौरव मौर्य, अमिता दीक्षित, शालिनी पांडे, तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। बाकायदा मनोनयन पत्र दिया गया। दोस्तों, ये वही जनता पार्टी है जिसका इंदिरा गांधी की इमरजेंसी यानी 2075-77 में जिसका गठन हुआ था। लोक नारायण जयप्रकाश इसके संस्थापक सदस्य थे और मुरारजी देसाई ने जनता पार्टी से ही पहली गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनाई थी। उसके बाद 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका मर्जर करने की कोशिश की थी बीजेपी में, लेकिन उसके बाद पार्टी कोर्ट चली गई थी और 2019 में जब जनता पार्टी ने दोबारा अपनी पार्टी को रिस्टोर करा लिया, उसके बाद इन्होंने पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा, बिहार का चुनाव लड़ा और अब उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ज़मीन तलाशने के लिए जनता पार्टी उतर पड़ी है। भ्रष्टाचार इनका मेन मुद्दा रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष नवीन चतुर्वेदी ने साफ तौर से कहा कि हम फ्री की चीज़ें देने, चाहे वो बिजली फ्री देनी हो, चाहे राशन फ्री देना हो, हम फ्री चीज़ें देने में विश्वास नहीं रखते। सच्ची बात करने वाले लोग हैं और उत्तर प्रदेश को सच्चा फ्रीडम दिलाएंगे। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सर। आज यहाँ समर विहार कॉलोनी राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता पार्टी द्वारा बुलाई गई है, क्या उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? ऐसे मैं आपको बता दूं, मैं जयप्रकाश बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी। आप लोगों को इस मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जनता पार्टी श्री नवनीत चतुर्वेदी जो अभी मेरे पास बगल में बैठे हुए हैं, इन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया और 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, चुनावी भागीदारी की संभावनाएं, इत्यादि मुद्दों पर व्यवस्थित मतलब कि ढंग से पार्टी को यहां पर एक वो मिले, गति मिले, इसके लिए एकदम जुआ और अति महत्वाकांक्षी नौजवान को जनता पार्टी की कमान दी गई है, इस उम्मीद के साथ कि ये हमारी भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को प्रबल रूप से जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे और पार्टी के पक्ष को अन्य पार्टियों के बनिस्पत अधिक प्रासंगिक बनाने का कोशिश। नवनीत जी, आपको आज जनता पार्टी की प्रदेश कमान संभाली गई है, बहुत कम समय बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ऐसे में क्या रणनीति होगी, किस तरह से आप संगठन का ढांचा खड़ा करेंगे? चूँकि देखिए, मैं आप ही लोगों की बिरादरी से आया हुआ हूँ और काफ़ी समय मेरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में निकला है, तो 2022 का जो यूपी का जो इलेक्शंस हैं वो केवल और केवल ख़ास मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा। मेरे जो ख़ास मुद्दे हैं वो शुरू से ही करप्शन और क्रॉनिक कैपिटलिज्म को लेकर के रहते हैं। लखनऊ के अंदर मैं कम से कम 4-5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ अलग अलग मुद्दों पर। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, आज मैं एक पार्टी के ऑफिस बीरर के बिहाफ पे आप लोगों के सामने मुखातिब हो रहा हूँ और आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों से डेली मिला करूँगा और मेरे यहाँ से जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से ऑन एंड एवरेज शायद कोई दिन किसी वजह से छूट जाए, हमारे यहाँ से डेली किसी न किसी मुद्दे के ऊपर आपको प्रेस स्टेटमेंट मिलेगा और महीने में कुछ एक 4-5 बार 6 बार अलग अलग टॉपिक के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब आज जब मैं जनता पार्टी की जब मैंने कमान संभाल ही ली है तो मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी शुरुआत एक छोटे से एंटी करप्शन वाले कैंपेन से किया जाए। एंटी करप्शन का जो कैंपेन है, मैं शुरू से इन सब चीज़ों को मैं बोलता रहा हूँ, आज जनता पार्टी के मंच से भी बोल दे रहा हूँ। आज से 2 महीने पहले मैंने माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को एक ईमेल क्वेश्चनर किया था। मैंने नितिन गडकरी जी से पूछा था, गडकरी साहब क्या आप मिस्टर करुणाकरण साथियानाथन को जानते हैं? ये आदमी एसोचैम की एडवाइजरी मेंबर में है,
ये आदमी बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, बैंक ऑफ दुबई, इन सब के अंदर अपना एक बैंक अकाउंट नंबर मेंटेन कर रहा है। मैंने गडकरी जी को उनका बैंक अकाउंट नंबर दिया जो उसका दुबई, अबू धाबी और स्विट्जरलैंड की बैंक में था। उस बैंक के अंदर बैलेंस क्या है, उस बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, और वो कब कब फॉरेन गया, और ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये उसके इनकम टैक्स में रिपोर्टेड नहीं है। इन सब ट्रांजेक्शन्स को लेके, क्योंकि उस आदमी की गडकरी जी से बड़ी ख़ास नज़दीकियाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट रन करता है, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में 800 करोड़ की फंडिंग आई थी उनके पास में, उसी 800 करोड़ के अंदर से जो काला धन है वो आपस में बंदरबांट हुआ। 2 महीने से मैं इस स्टोरी को लेके कर रहा हूँ। करुणाकरण साथियानाथन को भी मैंने ईमेल और क्वेश्चनर भेजा, गडकरी जी को भी भेजा। मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ जो है अब जनता पार्टी के मुद्दे से उठ करके उनके पास में जाएं और वो इन सब चीज़ों का सवालों के जवाब दें। आपके पास में बहलाने को बहुत सारे मुद्दे होते हैं, मैं हमेशा से शुरू से फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात करता हूँ, और आज तक सरकार ने कभी भी मेरे फैक्ट एंड फिगर्स को कभी भी डिनाई नहीं किया है। नवनी जी, चुनाव बिल्कुल पास में है, आम आदमी पार्टी और तमाम दल जोर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक नारा दे दिया है कि हम बिजली फ्री करेंगे, इस तरीके बहुत सारे जुमले चल रहे हैं, बहुत सारे वादे हो रहे हैं। जनता पार्टी क्या वादा लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बात तो सरकार तो बना नहीं रही है, वो बिजली फ्री कर दे वो तो कह देगी कि यहाँ पे सब कुछ फ्री है, यहाँ पे जनता को एवरीथिंग फ्री है, हर आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वादे करने से क्या होगा? आज मैं भी वादे करके चला जाऊँगा कि जनता पार्टी की सरकार आएगी तो यहाँ पे हर बेरोजगार को कलेक्टर बना दिया जाएगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि हमें भी पता है कि आज जनता पार्टी की जो हालात है, स्थिति है, हम सरकार नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हम हमारी मजबूती के साथ में दमखम से दम दिखाएंगे, लेकिन सरकार तो नहीं बना रहे ना। ये तो एक बिटर ट्रूथ है जो हम भी जानते हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी जानते हैं। तो जो हम सत्य है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई से हम मुंह क्यों मोड़ें? जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, और मैं आपको बोलूं कि मैं आपके नाम पे इमामबाड़े की रजिस्ट्री करा दूंगा, और कहाँ से करा दूंगा? इमामबाड़े का मालिकाना हक तो हो ना मेरे पास में। तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं आना चाहिए, और बतौर मैं चाहता हूँ कि प्रदेश की जो जनता है वो सवाल पूछना सीखे, वो ये ना कहे कि जी हमारा 5 किलो अनाज कहाँ पर है, जी हम 5 किलो अनाज लेने जाते हैं। हमें 5 किलो अनाज किसी को नहीं देना, हमें प्रदेश की जनता को उस लायक बनाना है कि वो इज्जत से, मान सम्मान से कमा करके खा सके, उसे किसी के आगे 5 किलो अनाज की लाइन में ना लगना पड़े।